हाय फ्रेंड, जो हम नेक्स्ट स्कीम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अभी फार्मास्यूटिकल केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो चल रहा था, उसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ जो लास्ट स्कीम पढ़ी थी हमने, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की स्कीम पढ़ी थी हमने, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो दूसरी स्कीम पढ़ने वाले हैं। पहले अपना ये कचरा जो है, ये सिटी कंपोस्ट स्कीम पढ़ी थी स्वच्छ भारत मिशन के लिए, तो हम भी अपना कचरा साफ़ कर लेते हैं। हमारा कचरा भी साफ़ रहना चाहिए, क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। घर की करें या कॉपी की करें, क्लीननेस करते रहना चाहिए। क्लीननेस ड्राइव आपकी सोच, अगर आपकी सोच सुधरेगी तो देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो दुनिया सुधरेगी, और दुनिया सुधरेगी तो हर लोग आदमी सुधरेगा। तो स्कीम जो पढ़ने वाले हैं, दूसरी स्कीम जो आती है वो आती है स्कीम फॉर ए प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क। अब इसमें क्या करेंगे, अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क, देखो नाम में ही स्कीम का नाम छुपा होता है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क। तो आपको क्या करना है, प्रमोट करना है किस चीज़ को, मेडिकल डिवाइसेस पार्क। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की स्कीम है। इसमें क्या क्रिएशन करना है, आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है किस चीज़ का, इंडियन मेडिकल डिवाइस आप बना पाएँ, आपकी कंपनी ग्लोबल लीडर बन पाए और दुनिया में लड़ पाएँ। ईजी करना है, एक्सेस टू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग को अच्छा करना है, इनफैक्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको देनी है। सिग्निफिकेंस रिड्यूशन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अभी देखो, आप एक सामान लेने चले जाओ, ठीक है, मेडिकल डिवाइस में इतना महंगा आएगा, तो उसको क्या करना है, एक्सेस प्रोवाइड करवाना है कि हर आदमी खरीद पाए उस चीज़ को, एक तरह से अफोर्डेबल बनाना है चीज़ को। एक्सप्लाइटेशन मतलब कि जो एक्सप्लाइट करते हैं, बेनिफिट अराइजिंग ड्यू टू द ऑप्टिमाइज ऑफ द रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्केल, मतलब चीज़ कम है, एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों का, या आ जाओ भैया महंगी बेचेंगे। कोविड टाइम पे देखा होगा आपने, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके बीच में नेबुला लगता है, वो सब सामान जो लगता है इसमें जो ऑक्सीजन चलती है फिर इंसान के मुंह में लगाई जाती है, उसकी कॉस्ट वो 1200-1500 रुपये में मिल जाता है, पर वो मैंने देखा है वो 20,000 रुपये में बिकते हुए देखा है। ये जरा सी चीज़ ऊपर की जो 1200 से, तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता, सप्लाई ज़्यादा होती तो उसकी कॉस्ट सस्ती रहती, तो ये सब चीज़ को बढ़ाना है। ये भी एक तरह से सेंट्रल सेक्टर है, स्टार मार्क है तो सेंट्रल सेक्टर है, हैश मार्क होता है यहाँ पे तो ये होती सेंट्रल स्पॉन्सर। पहली वीडियो में देख लेना मेरी, मैंने पहली वीडियो इस प्लेलिस्ट में डाली है, उसमें एक्सप्लेन किया है सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर क्या होता है। मेडिकल डिवाइस डेवलप किए जाएंगे अलग अलग जगह पे, कॉन्टीजियस एरिया में लैंड के, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर फॉर मेडिकल डिवाइसेज जोन बनाए जाएंगे, 4 मैन्युफैक्चर डिवाइसेस पार्क सेटल किए गए हैं, सपोर्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम में सपोर्ट करेगी कि जो मेडिकल पार्क, जो मेडिकल डिवाइस पार्क आपने बनाया है 4, आपको कौन सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। आपको मैक्सिमम ग्रांट, मतलब कि एक तरह से ग्रांट दी जाएगी मेडिकल डिवाइस पार्क में, अगर आप चीज़ें उसमें इस्टेब्लिश करते हैं, विल बी 100 करोड़ की होगी, टोटल फाइनेंशियल जो आउटपुट होगा स्कीम का 400 करोड़ का है, तो 4 पार्क में हर बार में 100 करोड़ का गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको पैसा एक तरह से प्रोवाइड करेगी। अब पैसे देने का ड्यूरेशन क्या होगा भाई स्कीम का, तो 2020-21 से 2024-25 तक होगा, वन टाइम ग्रांट होगी, ये नहीं कि बार बार हाथ फैला के आगे भैया दे दो ना भैया, एक बार में एक ही मिलेगा। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नोट, इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्ट, अभी पता ही आपको 85% आप इम्पोर्ट पर डिपेंड हो भैया, हमें पैर में चोट लगी है, हमें जरा एक मशीन ला के दे दो। तो डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, इस मेडिकल डिवाइसेस पार्क को गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी और चीज़ों को दिया जाएगा। भाई या फिर दोबारा सफाई अभियान चालू कर लो, अपनी सफाई अपने हाथ में है। ये हमारा हो गई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस। नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो आती है आपका प्लास्टिक पार्क स्कीम। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था सिटी कंपोस्ट स्कीम, जो सिटी में सिटी का जो कूड़ा होता है उसे कंपोस्ट करोगे, गवर्नमेंट आपको कुछ चीज़ प्रोवाइड करेगी उस चीज़ में, 1500 रुपये पर टन आपको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी। लगाना चाहते तो बात कर लेना गवर्नमेंट से, कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल में चले जाना, वो बता देंगे कैसे कैसे करना है। अब इसमें आता है प्लास्टिक पार्क स्कीम, इसमें क्या है कि प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे। अगर आप चंडीगढ़ जाते हो इधर उधर चीज़ों देखोगे, वहाँ पे बहुत आपने प्लास्टिक पार्क देखे होंगे, प्लास्टिक चीज़ों से पार्क में यूज़ किया जाता है। अगर आप चंडीगढ़ जाओगे कभी देखना। इंक्रीज द मतलब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, अचीव करना है और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करनी है, अडॉप्ट करना है कि आपको डेवलपमेंट अप्रोच में कंसोलिडेट करना है आपको जो कैपेबिलिटी है प्लास्टिक सेक्टर की, तो क्या करना है, रिड्यूस करना है आपको प्लास्टिक इंपोर्ट अपना, और अपनी ही जो प्लास्टिक है उसको ही यूज़ करना है। तो 10 प्लास्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे कंट्री में, इसको याद रखना। अब NVCS कौन से मिशन के अंदर है, ये नेशनल प्लास्टिक पॉलिसी हम लेके आए हैं 2010 में, विच वॉज मॉडिफाइज, को मॉडिफाई किया 2013 में, यानी कांग्रेस के टाइम में, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, तो वो स्कीम ही लेके आया। बट द स्कीम इज सपोर्टिंग सेटिंग अप नीड ऑफ द बेस ऑफ प्लास्टिक पार्क ऑन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, रिक्वेस्टिंग होगी इसके कि आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बताया ना, वो प्लास्टिक से आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इनेबलिंग करना है कि कॉमन जो फैसिलिटीज है, असिस्टेंट सेक्टर मूव अप द वैल्यू चेन, कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी मोर इफेक्टिवली। तो आप देख लो कैसे आप कर सकते हो प्लास्टिक पार्क बना के, कैसे अपनी प्लास्टिक को इम्पोर्ट होने से अपनी प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हो।
फंडिंग पैटर्न क्या है कि सेंट्रल इसे 50% देगा ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, सब्सिडी बाय द मतलब सीलिंग 40 करोड़, ये वो सब, और स्पेशल पर्पस व्हीकल से कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसको कैसा देखा जाएगा, इसके आगे हैश लगाएंगे, यानी कि 40% पैसा कौन देगा, 50% सेंट्रल और बाकी % स्पेशल आपका पर्पस व्हीकल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, क्योंकि पैसा दोनों गवर्नमेंट इसको दे रहे हैं। तो ये हमारी स्कीम थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। कोशिश रहेगी वीडियो आज ही सारी मैं अपलोड कर दूँ, एक दो स्कीम करके, छोटी स्कीम है, कोशिश जो मेरी कोशिश है मैं कि यहाँ तक कंप्लीट कर दूँ इसे आज, कि एटलीस्ट 15 तक तो आपको ये चीज़ें मिल जाएँ। चलो कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में लगते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज ऐसी फनी वे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ समझाता रहूँगा, बहुत बहुत शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है। अगर मुझे इंक्रेजमेंट मिलेगी मैं जब चीज़ें में लाइक करोगे शेयर करोगे, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो आपसे गुजारिश यही करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।